Welcome student, this is the next lecture of marketing of services and we are discussing about common issues involved in intermediaries and strategies for effective service delivery. So first of all, we should understand what is channel conflict or what are the issues that can occur in a channel. So what is a conflict? Conflict kya hota hai? Conflict is any kind of dispute or difference or you can say discord or disagreement jo ki do channel members ke beech mein, it could be ye bahut tarah se ho sakta hai, koi bhi do channel partners who are working together to deliver the service to the end customers. So the dispute arising between these two persons or these two partners are known as channel conflict. Now here one partner activities can affect the business, sales, profitability and market share of the other channel partner. एक की कुछ ऐसी एक्टिविटी करने से जिसके दूसरे के बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता हो. मान लो कि दो चैनल मेंबर्स हैं, एक ने कुछ ऐसा करा कि उससे दूसरे के सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट शेयर इम्पैक्ट हो गए, देन देयर कम्स इनटू पिक्चर द चैनल कन्फ्लिक्ट. वहाँ हो जाएगा दो लोगों में कन्फ्लिक्ट. अब बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट. सबसे पहला है वर्टिकल लेवल कन्फ्लिक्ट. वर्टिकल की बात करें तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हायर लेवल टू लोअर लेवल या लोअर लेवल टू हायर लेवल, मतलब हायरार्की की बात हो रही है. इन दिस कॉन्फ्लिक्ट द चैनल पार्टनर बिलोंगिंग टू अ हायर लेवल एंटर इनटू डिस्प्यूट विद द चैनल मेंबर ऑफ अ लोअर लेवल और वाइस वर्सा. मतलब जो हायर लेवल पे है उसका डिस्प्यूट लोअर लेवल वाले से है या जो लोअर लेवल वाला है उसका हायर लेवल से है. ठीक है, मान लो जैसे हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट डीलर्स एंड रिटेलर्स और होलसेलर एंड रिटेलर. होलसेलर जो है वो ऊपर लेवल पे है, रिटेलर नीचे है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. दैट इज योर वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जहाँ हमारे लेवल्स में इशू आ रहे हैं. सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल लेवल कॉन्फ्लिक्ट. हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मीन्स एक स्लैंट सीधी लाइन होती है, जो सीधी लाइन का मतलब आप समझो हॉरिजॉन्टल जो नीचे है सेम लेवल पे है. सो व्हेन देयर आर इश्यूज बिटवीन टू और मोर स्टॉकिस्ट और यू कैन सी रिटेलर्स ऑफ डिफरेंट टेरिटरीज. मान लो डिफरेंट टेरिटरी में, मतलब मैं यहाँ काम कर रही हूँ और आप चंपावत में काम कर रहे हैं, मैं पिथौरागढ़ आप चंपावत, तो हमारे बीच में इश्यूज आ रहे हैं ड्यू टू प्राइसिंग और मैन्युफैक्चरिंग बायसेस की वजह से. ठीक है, हम दोनों यही काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अ सिमिलर रीजन, लेकिन हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं ड्यू टू प्राइसिंग और मैन्युफैक्चरर की वजह से. तो दिस इज सेम लेवल. नाउ इंटर टाइप चैनल कॉन्फ्लिक्ट. दीज टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कॉमनली अराइजेस due to scrambled merchandising where large number of retailers go out of their way to enter the product line from usual product range to challenge small or concentrated retailers. यहाँ पे इंटर टाइप नाम क्लियर हो रहा है कि इंटर टाइप जो जिस चीज पे आप डील कर रहे थे, मान लो आप जिस सर्विस पे डील कर रहे हो, यू वेंट टू आउट ऑफ दैट, उसको छोड़कर या उसके साथ आप किसी और प्रोडक्ट या सर्विस में आप एंटर कर रहे हो. इंटर टाइप मतलब दूसरे में, जिससे किसी और जो छोटे लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनको इम्पैक्ट पड़ता हो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर इंटर टाइप. मल्टी चैनल लेवल, व्हेन द मैन्युफैक्चरर यूजेस मल्टीपल चैनल फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, इट मे फेस मल्टी चैनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट वेयर द पार्टनर्स इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विल इश्यूज विद इनकाउंटर. जब आप बहुत सारी चैनल्स यूज कर रहे हैं, आप ऑनलाइन मीडियम भी यूज कर रहे हैं, आप फिजिकल आउटलेट भी यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग योर पर्सनल कॉन्टेक्ट्स ऑल्सो, देन देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, नाउ व्हाट आर द कॉमन इश्यूज. ये तो हमारे जनरल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे. अब हम बात करते हैं कि जब डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स में जो है उसमें कैसे इम्पैक्ट आएगा. अब जो फर्स्ट वन है, जैसे हम बात कर रहे हैं कॉमन कन्फ्लिक्ट ओवर परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स. अब क्या है कि आपने ऑब्जेक्टिव्स कुछ सेट किए थे. व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस यू सेट सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स कि मुझे आफ्टर वन ईयर और टू ईयर आई हैव टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू दैट लेवल. और क्या हुआ, आपकी
परफॉर्मेंस डाउन हो गई एंड यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो आपने बिगनिंग में सेट किए थे. सो देयर अराइजेज अ कॉन्फ्लिक्ट, जब आप जो चीज चाहते हैं एंड वॉट यू आर नॉट एबल टू अचीव, जो आपने सेट किया था एंड योर परफॉर्मेंस, देयर इज अ मिसमैच, देयर इज अ गैप बिटवीन टू, सो देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट. देन इज डिफिकल्टी कंट्रोलिंग क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस आउटलेट. दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो. मान लो KFC की बहुत सारे आउटलेट्स हैं अक्रॉस पूरे इंडिया. नाउ इट इज नॉट पॉसिबल दैट सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सिमिलर कंसिस्टेंसी इन सर्विस विल बी अवेलेबल. या आप कोई पार्लर फैसिलिटी देख लीजिए, व्हेन यू आर टॉकिंग की जो सेम है तब सेम सर्विस शुड बी डिलीवर्ड. मान लो वन आउटलेट इज इन पिथौरागढ़ एंड वन इज इन हल्द्वानी एंड वन इज इन दिल्ली एंड वन इज इन बेंगलुरु. तो इन चारों आउटलेट में सेम टाइप ऑफ सर्विस, वेदर वो पार्लर की सर्विस हो या आप रेस्टोरेंट ले लो, तो जैसे सेम फूड सेम टेस्ट शुड बी देयर. उसको मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, कंसिस्टेंस इन एवरी टाइम्स, हर टाइम. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खाना बनाया वो अच्छा है तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा. एवरी टाइम यू आर प्रिपेयरिंग द फूड दैट शुड बी ऑफ सेम लेवल. क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए. सो मेंटेनिंग दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क. नाउ हम बात करते हैं टेंशन बिटवीन एम्पावरमेंट एंड कंट्रोल. अब जब हमने बोला कि हम एम्पावर कर रहे हैं, एम्पावर मीन्स वी आर स्ट्रेंथनिंग देम. हमने जो भी हमारे आउटलेट्स पे जो भी लोग हैं या जो भी हमारी आउटलेट्स को टेक केयर कर रहे हैं, वी हैव एम्पावर्ड देम, मीन्स वी हैव गिवन परमिशन और पावर और लीगल राइट टू डू समथिंग. ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, वी लूज कंट्रोल. हमारी खुद की जो एक्सरसाइज पावर है कि हम कुछ चीज़ यूज करें, वो देयर इज अ मिसमैच. मतलब हम एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम उनको एम्पावर कर रहे हैं कि कुछ चीज करने के लिए हम उनको लिबरल फ्री, वी आर मेकिंग देम फ्री दैट यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजंस. बट अगर हम फिर ऊपर आते हैं मैनेजमेंट लेवल पे, देन वी थिंक कि ओके वी आर गिविंग एंटायर कंट्रोल टू देम, देन वी आर लूजिंग आर कंट्रोल. हम अपना कंट्रोल छोड़ रहे हैं. तो देर इज अ क्या होता है, टेंशन हो जाती है, देर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन देम. चैनल एम्बिग्यूटी हम बात कर चुके हैं, चैनल कंफ्लिक्ट होते हैं वर्टिकल लेवल के, बहुत सारे लेवल्स के. सो दीज आर द थिंग्स विच, जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इन अ बिजनेस, देर आर मल्टीपल इशूज. द थिंग्स आर ईजी गोइंग बट देर आर सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो. जब बहुत सारे लोग, जैसे ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वेन देर आर सम प्रॉब्लम, सो ऑल कम यूनाइटेड एंड दे रिजॉल्व द इशू. बट वेन यू आर लिविंग इन अ ज्वाइंट फैमिली, देर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बिकॉज देर आर fights between many people. It could be among the children, you can say that is horizontal conflict, or parents and kids, that is what is that is you can understand as vertical conflict. So is tarah se aap usko samajh sakte hain ki jahan aap bahut sare log involved hain, then problem will be there. So you have to tackle it accordingly. Now in the next lecture we will understand what are the various strategies we can use to overcome these issues. So this is all for today's lecture. Thank you.